जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए अभी जैसा कि प्रियंका जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जी का निर्देश है, उत्तर प्रदेश में लगभग प्रत्येक जगह धान की खरीद नहीं हो रही है। सरकार ने MSP निर्धारित किया हुआ है 1868, जबकि किसान 1200 रुपये अपना धान बेचने को मजबूर। वजह, वो जब क्रय केंद्रों पर लेकर जाते हैं तो कभी नमी के नाम पर, कभी रजिस्ट्रेशन किसान का नहीं है उसके नाम पर, मंडियों से उनको लौटा दिया जाता है। वो लोग उस धान को ले जाकर बनियों को देते हैं 1100, बनिया उस धान को फिर मतलब बिचौलियों के माध्यम से फिर जो क्रय केंद्र के मालिक हैं उसको खरीद रहे हैं। तो इसमें मतलब ये जो है फायदा किसको जा रहा है, बिचौलियों को और सरकार, नुकसान किसका हो रहा है, वो किसान। इसी चीज़ को प्रियंका जी ने, आदरणीय प्रियंका जी ने संज्ञान में लिया है और इसी बात के लिए आज हम लोगों का ये धन्यवाद। सुशील तिवारी, कोऑर्डिनेटर किसान कांग्रेस उत्तर प्रदेश। जो सरकार ने बेतरतीब तरीके से बढ़ाया है उसको हर हाल में कम किया जाना चाहिए। और तीसरा ये है कि आने वाली जो गेहूं की फसल है उसके लिए खाद, बीज, बिजली और पानी का इंतजाम अभी से सरकार करे, सरकार को जगाने के लिए और अपनी मांगों को लेने के लिए। हम लोग अरुण तिवारी, जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी जमुना। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए आपने उत्साहपूर्वक यहाँ धरना प्रदर्शन किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई देते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि किसानों की जो धान की उपज है वह अभी सभी क्रय केंद्र खुले नहीं है, और जो क्रय केंद्र खुले हुए हैं उन क्रय केंद्रों पर कभी नमी के नाम पर ज्यादा लिया जा रहा है, तो कभी जो है परेशान किया जा रहा है, बोले हाइब्रिड नहीं लिया जाएगा। ऐसी तमाम समस्याएं पैदा करके किसानों को परेशान किया जा रहा है, जबकि किसान की उपज का ही सब फसल किया करते हैं और जीवन जिया करते हैं। मैं आज कांग्रेस के तमाम सिपाहियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज इस देश के अन्नदाता के सम्मान में, उनकी समस्याओं के समाधान में आप यहाँ आए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं जिला अध्यक्ष चमनापार भाई अरुण कुमार तिवारी जी से चाहूंगा कि और ज्ञापन पढ़े भाई सब साथ में है। मैं यहाँ उपस्थित समस्त कांग्रेस जन और जिला कांग्रेस कमेटी सेवा में जिलाधिकारी इलाहाबाद भेजो ना। विजय उत्तर प्रदेश में किसानों को हो रही महामहिम जी, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से हमारे किसानों को फोटो की तरफ आता है, जहां एक और धान क्रय केंद्रों पर धान की बिक्री कम होने तथा नमी के नाम पर किसानों के धान के वजन में कटौती की जा रही है, किसान परेशान है। वहीं गन्ना किसानों को उनके उपज का बकाया अभी तक नहीं मिल पाया है, और सरकार द्वारा निजी नलकूपों के लिए बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, जिससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में हम आपसे निम्नलिखित मांग करते हैं, उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्त धान की खरीद MSP पर किए जाने की गारंटी दी जाए, जिन जनपदों में धान क्रय केंद्र नहीं खुले हैं तत्काल खोले जाए, नमी के नाम पर धान उत्पादक किसानों से मनमानी कटौती बंद की जाए, गन्ना किसानों का बकाया उन्हें तत्काल उपलब्ध कराने की गारंटी दी जाए, उत्तर प्रदेश में निजी नलकूपों के लिए बिजली की कीमतों में की गई बढ़ोतरी को वापस लिया जाए और पुरानी व्यवस्था बहाल की जाए। अतः आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के संबंध में प्रदेश सरकार को आवश्यक निर्देश निर्गत कर किसानों को राहत पहुंचाने की महती कृपा करें। हाँ सर, ये हमें इधर बैठाइए, इधर बैठे हैं आप जिंदाबाद।
रोजगार की समस्या हो, तेल पेट्रोल डीजल की हो गया कुछ बोल दीजिए। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।